आओ सीखो की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती जादौन। दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास में हमने सीखा था हिंदी के व्यंजनों के बारे में और हमने आपको बताया था कि 25 जो अक्षर हैं, जो व्यंजन हैं, वो बाकायदा पांच पांच के पांच ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जहां से जिस स्थान से उनका उच्चारण होता है उसके हिसाब से। और उसके अलावा जो व्यंजन हैं वो भी हमने देखे। आज हम देखते हैं पूरे 40 जो व्यंजन हैं उनके लिए अंग्रेजी में हम किन लेटर्स का उपयोग करेंगे, ताकि हमारे पास जब हम स्पेलिंग बनाने जाएं किसी भी हिंदी नाम की, तो सारी मात्राएं और सारे व्यंजन जो हिंदी के हैं वो अंग्रेजी में भी हों या उनके लिए लेटर्स हमारे पास हों। तो ये है सबसे पहला ग्रुप, जिसके अंदर वो अक्षर आते हैं जो कंठ से निकलते हैं। अब यहां पर हम आपको पहले ही एक बात बता दें कि चूंकि हर अक्षर के उच्चारण में हम अ की मात्रा जोड़ रहे हैं, इसलिए सब जगह हमने ए लिखा हुआ है। सबसे पहला है क, इसके लिए लिखा है के ए। फिर है ख, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, इसके लिए हमने लिखा है के एच ए। ग के लिए या ग का जो उच्चारण है उसके लिए अंग्रेजी में हम यूज करते हैं जी, जी का उच्चारण ग निकलता है, तो ग के लिए हो गया जी, ए आगे लगा ही है। घ के लिए जी में एच जोड़ देंगे, ये बन जाता है जी एच ए। लास्ट वाला जो अक्षर है, मतलब पांच के ग्रुप में जो पांचवा अक्षर है पूरे पांचों ग्रुप में, हिंदी में इनके उच्चारण अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। जहां भी न वाला स्वर आ रहा है वहां पर हमने एम ए यूज किया है। दूसरे ग्रुप पर चलते हैं। च के लिए हालांकि कोई एक लेटर अंग्रेजी में नहीं है, पर अंग्रेजी में च साउंड होता है और उसके लिए व्यवस्था है सी एच की, जैसे चर्च, चेंज, चिली, चाइल्ड, इन सब में सी एच का उपयोग होता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने एक जो छोटा सा नियम बना रखा है कि जो साउंड नहीं है अंग्रेजी में उसमें हम एक एच जोड़ देते हैं। अब च में ऑलरेडी सी एच है, तो छ बनाने के लिए एक और एच हम उसमें जोड़ देंगे, तो छ के लिए हो जाएगा सी डबल एच। फिर आता है ज, ज के लिए अंग्रेजी में जे है और झ बनाना है तो जे एच। और फिर जो लास्ट पांचवा जो अक्षर है न्य, उसके लिए एन ए से हम काम चला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है ट, ठ, ड, ढ वाला। ट के लिए अंग्रेजी में टी है, ठ जो है उसको टी में एच जोड़कर हम बना सकते हैं, ड हो गया डी और ढ हम बना लेते हैं डी में एच जोड़ करके। ण के लिए फिर वही एन ए का उपयोग करेंगे। अगला जो ग्रुप है त, थ, द, ध, न वाला, ये ट, ठ, ड का थोड़ा सॉफ्ट वाला वर्जन है। आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों ग्रुप्स के लिए अंग्रेजी में सेम लेटर्स का उपयोग होता है, एक जैसे ही लेटर्स आएंगे। ट के लिए हम टी लगाते हैं, त के लिए भी टी लगेगा, ड के लिए डी है तो द के लिए भी डी लगेगा। तो इस तरह से ट हो गया टी ए, थ हो गया टी एच ए, ड के लिए हमने डी लगाया तो ढ बन जाएगा डी एच से, और न के लिए एन ए होता ही है। अब सबसे लास्ट वाले ग्रुप पर आते हैं, जो कि होंठ के मिलने से बनता है या जिनका उच्चारण होंठ के मिलने से होता है, प, फ, ब, भ, म। प के लिए हमारे पास अंग्रेजी में ऑलरेडी लेटर है पी। ह जो है यहां पर थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे, अंग्रेजी में ह उच्चारण नहीं होता है। अंग्रेजी में जो उच्चारण होता है, जिसके लिए एफ लेटर है, वो होता है फ। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये हम देखते हैं। हिंदी वाला जो फ है, एक्चुअली वो फ नहीं है, वो है फ। दोनों होंठ जब मिलते हैं तब ये उच्चारण निकलता है फ, जबकि अंग्रेजी में उच्चारण लिप्स को टच न करते हुए अगर किया जाए तो जो उच्चारण होगा फ।
जो कि उर्दू में होता है। फ के नीचे जब नुक्ता लगता है तो जो उच्चारण निकलता है वो इंग्लिश वाला है और उसके लिए हम लिखते हैं एफ। पर हिंदी वाला फ अगर चाहिए, अगर आपको लिखना है फल फूल फूल सिंह, तो उसके लिए हम लिखेंगे पी एच ए, क्योंकि प बनता है पी से, तो फ लिखने के लिए उसमें एच जोड़ देंगे पी एच। अब हम आते हैं ब पे, उसके लिए बी है, भ के लिए हम लिखेंगे बी एच ए, म के लिए एम हमारे पास है ही। इसके अलावा फिर है य, य के लिए वाई है वाई ए, र के लिए आर है, ल के लिए हमारे पास है एल, और व पर फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। दो ऐसे अक्षर अंग्रेजी में हैं जिनसे व का उच्चारण निकलता है, एक है वी और दूसरा है डब्ल्यू। डब्ल्यू से जब हम स्पेलिंग शुरू करते हैं तो उनका उच्चारण भी व होता है। अब हिंदी का नाम लिखते समय कब हम वी लिखें और कब हम डब्ल्यू लिखें, ये हमको उच्चारण के हिसाब से देखना होगा। जब उच्चारण सीधा व हो, जहां पर कि हमारे दांत होठ से, निचले होठ से टकराते हो व, तो वी आएगा, जैसे विनय विजय। पर अगर आप व का उच्चारण इस तरह से करते हैं कि होठ गोल होते हों, व अगर व उच्चारण देना है तो फिर हम डब्ल्यू लिखेंगे। जैसे जब आधे श के बाद जब व आता है श्व, तो फिर हमारे होठ गोल होते हैं, जैसे ईश्वर या फिर सर्वेश्वर। श्वर जब हमको बोलना होता है तो गोल मुंह हमारा होता है, वहां पर हमको लिखना होता है डब्ल्यू। अगर आपको श्वेता भी लिखना हो तो वहां पर आपको डब्ल्यू का उपयोग करना है। अब हम आते हैं तीनों स पे। इसमें पहले है श शक्कर वाला, फिर है श भाषण या भाषा वाला, फिर है स सरोते वाला या सड़क वाला। तो ये जो स सड़क वाला है, इसके लिए अंग्रेजी में एस लेटर है, श और श के लिए हम एस एच का उपयोग करते हैं। इन दोनों की ध्वनियों में जो भेद है, वैसे तो आजकल हिंदी में भी उतना ज्यादा उच्चारण का ध्यान नहीं रखते हैं, एक तरह से उच्चारित करते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, पर अंग्रेजी में लिखते समय हम दोनों के लिए एस एच का उपयोग कर सकते हैं। तो एस एच हो गया श के लिए, और श के लिए भी एस एच, फिर स के लिए एस ए, फिर आता है ह, इसके लिए हम यूज करेंगे एच ए। हालांकि एच उच्चारण में ह कहीं नहीं आता, पर अंग्रेजी में जब भी हम एच लिखते हैं तो उसका उच्चारण ह होता है, इसलिए ह के लिए एच। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मिश्र व्यंजन आते हैं, क्ष त्र और ज्ञ। इनका जब उच्चारण करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे दूसरे जो व्यंजन है वो दो एक व्यंजन मिलकर के फिर ये बनाते हैं। जैसे क्ष जब हम बोलते हैं तो इसमें क है और श है, क और श के मिलने से क्ष बना है, इसके लिए हम लिखेंगे के एस एच। तो क और श दोनों हो गए, तो ये हो गया क्ष, के एस एच ए। त्र में त और आर, ये दोनों साउंड्स मिल रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे टी आर ए, ये हो गया त्र। और ज्ञ, जो हम प्रायः उच्चारण हिंदी में आजकल ज्ञ का करते हैं, उसमें ग और य, ये दो व्यंजन जो हैं वो सुनाई देते हैं, इसलिए हम इसके लिए लिखते हैं जी वाई ए। तो ये हो गए मिश्र व्यंजन क्ष त्र ज्ञ। अब आगे हम आते हैं, चार और लेटर्स हमने इसमें जोड़े हैं, जो है ड। ड पे नीचे बिंदी लगाने से ड बनता है। अब चूंकि ड के लिए हम लिखते हैं डी, तो ड के लिए कई बार डी का उपयोग भी होता है, और कई बार ये ड का जो साउंड है वो कहीं थोड़ा आर के समान होता है, वहां पर हम आर भी लिख देते हैं। यहां पर थोड़ी सी अंग्रेजी में हमारी लिमिटेशन है, सीमा है, पर कैसे हम उसको समझे, उसके लिए डी या आर दोनों का उपयोग हम करते हैं ड के लिए। और ढ अगर हमको बोलना है तो डी में एच लगा करके भी हम ढ बना लेते हैं, या फिर आर में एच लगा करके भी ढ बनाया जाता है। जैसे अगर आपको लिखना है राजगढ़, गढ़ लिखना है या गढ़ा लिखना है,
तो उसमें फिर हम आर एच ए आगे जोड़ देते हैं। इसके बाद है श्र। श्र श और र से मिलकर बना है, इसलिए ये हो जाएगा एस एच आर श्र, एस एच आर ए। और फिर जो है री, री ऋषिका। अब ये जो री ऋषिका है इसमें केवल नीचे का जो इस तरह का गोल किसी भी अक्षर के नीचे किसी व्यंजन के नीचे लगता है तो वो मात्रा का काम करता है, री की मात्रा जिसको हम बोल सकते हैं। और कई बार पूरा री ऋषिका ये जो अक्षर है इसका उपयोग होता है शुरू में ही नाम लिखने में, जैसे ऋषक, या फिर आपको लिखना है ऋषि, या फिर आपको लिखना है ऋतिक, ये शुरू ही री ऋषि से होता है। अब इसके लिए जब मात्रा के रूप में हम इसको लगाते हैं, पूरा री ऋषि ना लिख करके केवल नीचे मात्रा लगाते हैं, तब तो हम लिखते हैं आर आई, जैसे संस्कृत, या फिर अमृता या अमृत। इसमें यहां पर हम आपको और बता दें, प्रायः मराठी भाषी जो लोग होते हैं वो आर आई की बजाय इसको री पढ़ने की बजाय रू पढ़ते हैं, और इसलिए हो सकता है वो अपने नाम में आर आई लिखने की बजाय आर यू लिखें, ये भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। अमृता की जगह अमृता लिखा हो, तृप्ति की जगह तृप्ति लिखा हो, ये भी चलता है। पर जब हम पूरा नाम लिखते हैं तो प्रायः आर आई लिखा जाता है, पर कुछ लोग एच आर आई का उपयोग भी करते हैं, जैसे ऋतिक रोशन। आप सभी ने नाम सुना है और पढ़ा भी होगा, ऋतिक रोशन की स्पेलिंग में ऋतिक एच आर आई से शुरू होता है, तो कुछ लोग एच आर आई का भी उपयोग करते हैं। तो ये हुए हमारे 40 हिंदी के जो व्यंजन है वो, और उनके लिए अंग्रेजी में हम किन लेटर्स का उपयोग करेंगे वो हमने अभी देख लिया है। अब मात्राएं हमारे पास हैं, व्यंजन हमारे पास है, इनसे हम हिंदी नामों की स्पेलिंग्स कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।